तो दोस्तों डेट है आज की 14th of November, सोमवार का दिन है और दोपहर के 12:05 का टाइमिंग हो रहा है। बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है और आपको एनालिसिस करी हुई नज़र आ रही होगी। 3 बार 4 बार बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन करने के बाद एक अच्छी सी रेड कैंडल की वहाँ पे फॉर्मेशन करी है और अब देखो ये सपोर्ट को तोड़ने के लिए नीचे आने की संभावना मुझे नज़र आ रही है। तो फटाफट मेरे ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पुट्स को बाय करने वाले हैं दोस्तों। तो ये आ चुके हम ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे, 42,300 की पुट यहाँ पे मेरे ख्याल से ठीक रहनी चाहिए बाय करना। जी हाँ, 400 रुपीज़ के आसपास उसका रेट दिखाई दे रहा है। 300 क्वांटिटीज मार्केट रेट पे हम बाय करेंगे, लेकिन जब वो उसका मतलब ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन वगैरह दे देगा तभी हम उसको बाय करेंगे दोस्तों। अभी थोड़ी देर फिलहाल इंतज़ार कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा ही नज़र आ रही है कि वो नीचे के साइड ब्रेक कर सकता है और उसने कर भी दिया है। देखो दोस्तों, ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेक डाउन किया है बट क्लोजिंग अभी तक उसकी हुई नहीं है। बिल्कुल ट्रेंड लाइन को पकड़ के उसने क्लोजिंग करा है। तो अभी हमें क्या करना होगा, 1 मिनट यहाँ पे इंतज़ार करना होगा और फिर हम देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल अभी चल रही है इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। मल्टीपल टाइम्स उसने सपोर्ट को टेस्ट किया हुआ है और अभी वो नीचे आने की संभावना मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। 30 सेकंड 29 सेकंड और बचे हैं इस कैंडल को ख़त्म होने के लिए, थोड़ा समय यहाँ पे इंतज़ार कर लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा ऊपर हमें मिल जाएगा तो माल भी सस्ता मिलेगा दोस्तों। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने अभी तक ट्रेड का एग्जीक्यूशन वगैरह किया नहीं है और वैसे भी उसने ट्रेंड लाइन के नीचे अभी क्लोजिंग नहीं दी है दोस्तों। 10 सेकंड 9 सेकंड बचे हैं इस कैंडल को ख़त्म होने के लिए। लेट सी दोस्तों, देखो ये वाला जोन जो है ना, ये मल्टीपल टाइम मतलब टेस्ट हो चुका है तो इसकी संभावना मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि वो शायद देखो उसने ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग कर दिया है या फिर आप कह सकते हो कि ट्रेंड लाइन को टच करते हुए क्लोज किया है। सो कन्फर्मेशन अभी तक मिली नहीं है। देखो ये फिर से एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन, अगर ये वाले जोन में आ जाता है ना रिटेस्ट करने के लिए मतलब जैसे, तो थोड़ा सा सस्ता माल मिल सकता है हमें। थोड़ा देर पेशेंटली मतलब यहाँ पे इंतज़ार करना होगा हमें। देखते दोस्तों, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, ऊपर आते हुए नज़र तो आ रहा है मुझे। ये एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन का ही फॉर्मेशन करके रखता हूँ। अगर ये वाले लाइन को टच करता है ना तो मतलब थोड़ा सा सस्ता माल हमें यहाँ पर मिल सकता है। थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा दोस्तों हमें। 1 मिनट बचा है कैंडल को, इसने अंदर ही कैंडल की क्लोजिंग हुई है। आई गेस ये नहीं करेगा रीटेस्ट। जो लाइन हमने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके रखा है ना, वहाँ तक शायद ये नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से उसने ऊपर से रिजेक्शन करते हुए रेड कैंडल की फॉर्मेशन करी है ना, सो देर इज़ एन हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी कि नीचे ही काट देगा इसको। और देखो उसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करते हुए मुझे नज़र तो आ रहा है। 35 सेकंड्स और बचे हैं कैंडल के क्लोज होने के लिए। मेरे ख्याल से एक बड़ी सी रेड कैंडल मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 29 सेकंड्स, क्या किया जाए, कर लेते हैं शायद से यहाँ पे बाय। 20 सेकंड 22 सेकंड बचे हैं। लेट्स सी दोस्तों, पेशेंटली इंतज़ार कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। संभावना इसकी ज़्यादा है कि ये नीचे के साइड ही ब्रेक करने वाला है, क्योंकि मल्टीपल टाइम वो सपोर्ट को वगैरह उसने टेस्ट किया है। 9 सेकंड 8 सेकंड बचे हैं कैंडल को ख़त्म होने के लिए। ऊपर खींच रहा है ये 4 सेकंड 3 सेकंड एंड फाइनली इसने भी ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोज किया है। नीचे अभी तक क्लोजिंग हमें मिली नहीं है और ये रेड कैंडल की फॉर्मेशन, चलो मेरे ख्याल से ये वाली कैंडल जो है क्लोजिंग होने से पहले मैंने ट्रेड ले लिया है, थोड़ा रूल को ब्रेक किया है आज के दिन पे, देन बट इट इज़ फाइन आई गेस, बिकॉज ट्रेंड लाइन के काफ़ी नज़दीक वो है एंड सपोर्ट को ब्रेक कर ही देगा वो, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे उसने सपोर्ट को टेस्ट किया है। सो देर इज़ एन हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी। 436 का टारगेट मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे लगा के रखा है। ब्रेक डाउन से पहले ट्रेड लिया है एंड दैट इज़ द रीज़न कि शायद यहाँ पे मुझे लॉस दिखाई दे रहा है। आई गेस वो रिटेस्ट करने के लिए अभी ऊपर जा रहा है। इतना टाइम हमने इंतज़ार किया लेकिन तभी नहीं गया, बट दैट इज़ एन फाइन प्रोबेबिलिटी। नीचे ब्रेक होने की मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है दोस्तों यहाँ पे। ये देखो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये जो इमेज आ रही है ना, ये मैंने एनालिसिस करी हुई थी बैंक निफ्टी की और ट्रेड का एग्जीक्यूशन करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे ये डेली बेसिस पे पोस्ट कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ वहाँ पे जुड़े हैं और वो मेरे व्यूज़ को फॉलो करके बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आपको भी मेरी एनालिसिस को फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट है, लर्न करने में कोई इंटरेस्ट है, मैं किस प्रकार ट्रेड करता हूँ, मैं एनालिसिस किस प्रकार करता हूँ, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हो। देखो अभी उसने रिटेस्ट वगैरह किया है,
बारह बज के माफ कीजिएगा 12:10 पे हमने शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई है। सो हाँ जी 12:10 का ही टाइमिंग है। सो मैं यहाँ पे ये वाली कैंडल के आसपास एंट्री बनाया हूँ, बड़ी सी ग्रीन कैंडल। तो शायद थोड़ा सा इंतज़ार करता तो रेटेस्ट पे अच्छा सा हमें मतलब सस्ता माल मिल सकता था, बट दैट इज़ फाइन। यहाँ पे हुई है एंट्रीज। तो स्टॉप लॉस देखो मैं किस तरह से स्मार्टली यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ये जो जोन है रिजेक्शन का, उसके 10.5 पॉइंट ऊपर मैंने स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट करी है। एंड टारगेट की अगर हम बातें करें तो ये वाला जो जोन है वो एक नया लो, बड़ी सी रेड कैंडल मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। बिलीव मी, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे एक मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर देती है ना, तो विद इन एन सेकंड वो अपना टारगेट अचीव करके जाएगा दोस्तों, इतना मैं श्योर हूँ। करंटली देखा जाए तो 3000 के आसपास नुकसान दिखाई दे रहा है दोस्तों, बट दैट इज़ फाइन। लेट्स सी, मैं आपको थोड़ी देर में फिर से अपडेट करता हूँ कि हमारा ये ट्रेड किस तरह परफॉर्म कर रहा है। एंड फाइनली एज एक्सपेक्टेड ये फिर से ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करते हुए नीचे आ रहा है। कैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल नज़र आ रही है दोस्तों। हमारा ट्रेड 223 का रेट तो देख लिया मैंने स्क्रीन पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आई थिंक इज़ वेरी मच हाई, क्योंकि एक बड़ी सी रेड कैंडल उसने वहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास फॉर्म करी है। सपोर्ट का जोन है, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो उसको ब्रेक ही करने वाला है। 423 का हाई तो इसने कर दिया है, 436 का टारगेट सिस्टम में हमने लगा के रखा है दोस्तों। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों हमारा टारगेट कुछ पॉइंट से मिस हो चुका है और बैंक निफ्टी फिर से आ चुकी है ऊपर। फिर से ऊपर आने के बाद उसने उसी ट्रेंड लाइन को ही रिजेक्ट किया है, और अब ये जो पॉसिबल सपोर्ट जोन हो सकता था जो मैंने हाईलाइट किया है, उसके नीचे वो क्या कर रहा है, क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी मुझे मौका दे रही है कि मैं मेरे स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर सकता हूँ। देखो मतलब ये वाला जो जोन था ना, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ इस वाले, ये देखो ये वाला जोन था वो, उसके नीचे अभी वो क्लोजिंग हो जाती है अगर बैंक निफ्टी की कैंडल की, या फिर मतलब देखो वो काफ़ी अच्छी कैंडल भी बना रहा है, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे लेके आ सकता हूँ बड़े आराम से। 4000-5000 के आसपास नुकसान दिखाई दे रहा है। ये जो विंडो है, ये मैंने मेरे टारगेट को जो था लगाया हुआ उसको मॉडिफाई करके स्टॉप लॉस के यहाँ पे मैं निकलने के लिए रेडी बैठा हूँ दोस्तों। 30 सेकंड और बचे हैं इस कैंडल का ख़त्म होने के लिए। अगर ये हमारे जो हाईलाइटेड सपोर्ट जोन है उसके नीचे क्लोज करता है, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर से ट्रेल करते हुए जो हाईलाइटेड मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है वहाँ तक मैं लेके आने वाला हूँ दोस्तों। अभी देखते हैं 13 सेकंड 12 सेकंड और बचे हैं इस कैंडल को ख़त्म होने के लिए। अगर कुछ भी आपको नया सीखने मिल रहा है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करो दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करके रखो, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। देखो इसने क्लोजिंग वगैरह नीचे कर दिए, सो क्विकली हम हमारे स्टॉप लॉस को इस वाले जोन पे लेके अभी आएंगे दोस्तों। स्टॉप लॉस को तो मैंने ट्रेल करके रखा था, लेकिन बैंक निफ्टी वो सपोर्ट जोन के नीचे सस्टेन करने के लिए रेडी नज़र नहीं आ रही है, और ये फिर से ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करने की कोशिश में मुझे नज़र आ रही है। इस ट्रेड में विनिंग की प्रोबेबिलिटी अभी ना के बराबर मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि अगर उसको नीचे आना था तो प्रीवियस कैंडल जो उसने रेड बनाई थी वहीं से उसको नीचे आना चाहिए था। अभी ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन ब्रेक करने वाला है, शायद यहाँ पे हमें आज के दिन पे नुकसान बुक करना पड़ सकता है। टारगेट को अगेन मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। देखो दोस्तों एक गलती मेरी हुई है आज, कि मैंने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होके क्लोज होने का इंतज़ार नहीं किया। इस तरह से छोटी छोटी गलतियाँ भी आपको डीमोटिवेट कर सकती है, आपको लॉस दे सकती है। तो आज के इस सेशन से कुछ सीखने जैसा है। मैंने भी देखो, आपको ऐसे लगता है, कई सारे लोग मुझे मतलब बोलते हैं कि सर आप एक्सपर्ट हो, आप कितना अच्छा स्कैल्पिंग कर लेते हो, लेकिन दोस्तों मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती है। आज मैंने ब्रेक डाउन होने से पहले ट्रेड ले लिया और देखो मैं कितनी बुरी तरह से उसमें फंस चुका हूँ। सो मेरी इन गलतियों से सीखने की कोशिश करो दोस्तों। आपके ट्रेडिंग में भी आप कुछ इस तरह से गलतियाँ अगर कर रहे हो, तो इसे सीखो और उसको सुधारने की कोशिश करो। अभी देखो ये फिर से रेड कैंडल बनाते हुए मुझे नज़र तो आ रहा है, लेकिन उसने प्रीवियस जो रेड कैंडल उसने बनाई थी उसको ऑलमोस्ट पूरी तरह से खा लिया है। सो विनिंग की प्रोबेबिलिटी तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है दोस्तों इस वाले ट्रेड में। देखते हैं, फिर भी हम हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे।
स्टॉप लॉस को तो मैंने ट्रेल करके रखा है, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आप लोगों के सामने मैंने विंडो भी ओपन रखी है, मैं लॉस भी वहाँ पे बुक करने वाला हूँ। सो ये फिर से ऊपर निकलने की कोशिश में लगा है। देखो दोस्तों, मतलब इस तरह से ना आपको समझ में आना चाहिए कि अपनी आपकी गलती भी क्या हो रही है। कई सारे लोगों को ना तो उनकी गलती क्या हो रही है यही नहीं पता चलता है, और ये आ चुका है हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास, खा लिया है उसने, चलो क्लोज टू 12,000 रुपीज़ का नुकसान मैंने बुक किया है आज के दिन पे। देखो वो ऊपर वाला जो हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा था ना, उसको भी ट्रिगर कर देगा वो। तो दोस्तों आज के दिन पे भी जो हमने ट्रेड किया उसमें भी मैंने ऊपर रेसिस्टेंस देखे थे और नीचे सपोर्ट देखे थे। रेसिस्टेंस मेरा इस तरह से था आज के दिन पे, बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 4 बार उसने रिजेक्शन ले चुका था। नीचे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो सपोर्ट था, जो कि 30 मिनट्स या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट था, उसको मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी ने टच किया था। एंड देन यहाँ पे रिजेक्शन आने के बाद बैंक निफ्टी ने एक बड़ी सी रेड कैंडल की फॉर्मेशन भी करी थी। इस यहाँ से कुछ एक ट्रेंड लाइन की भी फॉर्मेशन होते हुए नज़र आ रही थी। तो मेरे पास मल्टीपल रीजंस थे दोस्तों ट्रेड करने के लिए। रीज़न नंबर 1 क्या था कि ऊपर से उसने एक अच्छे से रिजेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी बार बार नीचे आ रही थी। सेकंड रीज़न ये था कि वो सपोर्ट के पास ही होवर करना उसने स्टार्ट किया था, मल्टीपल टाइम उसने सपोर्ट को टेस्ट करके रखा था। रीज़न नंबर 3 इस ट्रेड के बिहाइंड ये था, रीज़न नंबर 3 ये था कि उसने एक बड़ी सी रेड कैंडल की वहाँ पे फॉर्मेशन करी थी, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आया था। बैंक निफ्टी वहाँ से नीचे गई भी, लेकिन उसने वहाँ पे हैमर बना दिया। रीज़न नंबर 4 जो था, जिसका कंफर्मेशन मैं लेना यहाँ पे मिस कर चुका था दोस्तों आज के दिन पे, कि उसने ट्रेंड लाइन के नीचे 1 मिनट की कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं करी थी दोस्तों। सो अगर आप मल्टीपल रीजंस के साथ ट्रेड भी करते हो, लेकिन उसमें से एक रीज़न भी अगर आपका फॉल्स होता है या फिर आप लेना भूल जाते हो, तो आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ सकती है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने इस तरह की लाइव रिकॉर्डिंग करी है, क्योंकि आप मेरी मिस्टेक से कुछ ना कुछ नया सीख पाओ दोस्तों। तो जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती है, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये सीख शायद आज के दिन पे आपको मिली हो मेरे इस लॉस को देख के दोस्तों। तो आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा, प्राइस एक्शन का नया कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, यहाँ पे एक साइकोलॉजी भी होती है दोस्तों। अगर वो जो एक कैंडल गिरी थी वो इस तरह से हैमर बना के, मतलब हैमर वाली कैंडल कुछ इस तरह से बनती है, इस तरह से बॉडी होती है और बड़ी सी वीग नीचे की साइड पे वो लगाता है। अगर मान के चलो वो कैंडल ना इस तरह से अगर बनती ना, फॉर एग्जांपल ऐसे फुल बॉडी के साथ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि वो अपना टारगेट देखे जाए। लेकिन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम दोस्तों, एक प्रोबेबिलिटी मैंने देखी थी, लेकिन मेरी मिस्टेक आज हुई है, मिस्टेक को मैंने एक्सेप्ट किया, उसका प्राइस पे किया 12,000 रुपीज़। अभी हम फिर से कल मिलेंगे हमारे फिर से और एक लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।